बीते 68 साल से देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर, या ये कह सकते हैं स्वास्थ्य के सप्त ऋषियों पर फोकस किया है। पहली कोशिश ये है कि बीमारी की नौबत ही नहीं आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए, इसके लिए देश भर में नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस ये है कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो, इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है। चौथा प्रयास ये है कि गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथियों, हमारा पांचवा फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। हमने देखा है कि आजादी के बाद से ही जितने भी अच्छे अस्पताल बने वो बड़े शहरों में ही बने। थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़े तो बड़े शहर भागो, यही होता रहा है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने में जुटी हुई है। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 7 एम्स थे, इसमें से भी एक दिल्ली वालों को छोड़ दें तो कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती थी, कहीं ओपीडी नहीं लगती थी, कुछ अधूरे बने पड़े थे। हमने इन सभी को सुधारा और देश में 16 नए एम्स घोषित किए। एम्स गुवाहाटी भी इन्हीं में से एक है। हमारी सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इस लक्ष्य पर काम कर रही है। 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थी, अब इनकी संख्या बढ़कर करीब करीब 600 तक पहुंच रही है। साथियों, हमारी सरकार का छठा फोकस इस बात पर भी है कि डॉक्टरों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। बीते 7 साल में एमबीबीएस और पीजी के लिए 70,000 से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है, 70,000। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर माना है। इससे भारत में डॉक्टर और मरीजों के बीच रेशियो में भी सुधार हुआ है। हाल ही में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर उतनी ही फी ली जाएगी जितनी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ली जाती है। इसका फायदा हजारों नौजवानों को मिल रहा है। देश को आजादी के बाद जितने डॉक्टर मिले, हमारी सरकार के प्रयासों से अब उससे भी ज्यादा डॉक्टर अगले 10 वर्ष में मिलने जा रहे हैं। हमारी सरकार का 7वां फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटाइजेशन का है। सरकार की कोशिश है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो, इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले, इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू की गई हैं।
कोशिश ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश के नागरिकों को देश में कहीं भी मिल सके, इसके लिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। यही वन नेशन वर्ल्ड हेल्थ की भावना है।